Welcome students in the classes of Jagtaran Academy. This is the class of probability. हम लोग इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे. प्रोबेबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है प्रायिकता. एंड प्रायिकता का लिटरल मीनिंग अगर हम लोग समझें तो इसमें संभवतः किसी भी चीज का कोई गेसिंग ही प्रायिकता कहलाता है. प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी जब भी हम लोग किसी भी चीज का होने का अगर मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वही मैथमेटिकल टर्म किसी फॉर्मुलेशन से सॉल्व किया जाता है और वही फॉर्मुलेशन हम लोग का क्या कहलाता है प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी इज अ कंसेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट्स. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि न्यूमेरिकली मेजर करता है किस चीज को. तो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब किसी भी चीज का होने का कितना संभावना है. ठीक है, तो न्यूमेरिकली हम लोग को रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज का होने का. और अगर प्रोबेबिलिटी में हम लोग देखें तो एक अकरेंस होता है. अकरेंस मतलब वो हो रहा है, क्या होना है, तो उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट. इट मीन्स एक ऐसा ऑपरेशन जो कि परफॉर्म करता हो, प्रोड्यूस करता हो क्या, एक आउटकम्स जो कि वेल डिफाइंड हो, उससे रिलेटेड हो. ठीक है, जैसे कि अगर एक सिक्का को उछालें तो उसमें हेड आने का और टेल आने का एक न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हम लोग लेंगे, तो एक बार और दो बार, यानी कि दो चीज आ सकता है, तो दो आउटकम्स हम लोग का वेल डिफाइंड आउटकम्स हुआ. तो इसी को कहते हैं एक्सपेरिमेंट. कितना बार उछाले, एक बार, तो एक बार में दो आ सकता है, या तो हेड या तो टेल. उसी तरह दो सिक्का अगर उछालेंगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. तो ये पॉसिबल आउटकम्स है जिसको एक्सपेरिमेंट कहेंगे. और रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे अगर हम लोग तीन बैग है, तीनों का में अलग अलग कलर के बॉल्स हैं, तो उसमें से रैंडम कुछ चूज करना है तो उसको हम लोग कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट. लेकिन अगर उसमें कोई वेल डिफाइंड अगर एक्सपेरिमेंट करना है, तो जैसे कि कोई पर्टिकुलर रेड कलर का होना चाहिए बॉल, तो उस केस में वो उसको फिक्स एक्सपेरिमेंट कहेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं. ठीक है, सो रैंडम एक्सपेरिमेंट एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस. मतलब इसमें हम लोग का पॉसिबल आउटकम्स हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम्स हम लोग नहीं जान पाएंगे कि क्या आ सकता है. ठीक है, लेकिन अगर हम लोग जैसे मिक्स कर देंगे तीनों बॉल को, रेड व्हाइट ब्लू, ये तो उसमें हम लोग एक रैंडम अगर चूज करें तो रेड भी निकल सकता है, व्हाइट भी निकल सकता है और ब्लू भी निकल सकता है, तो कोई फिक्स नहीं है. ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम ही होता है. हम लोग उसके पहले अगर हम लोग कुछ बनाएं, इससे पहले हम लोग कुछ कुछ जान लेते हैं. जैसे अगर एक सिक्का को उछाला गया, एक कॉइन को उछालेंगे, तो इसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. अगर किसी ताश के पत्ते को हम लोग थोक करते हैं तो उसमें या तो, सबसे पहले तो ये 52 कार्ड्स होते हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या है 52 कार्ड्स में से कोई एक आने का, और इसमें दो पॉसिबिलिटी है, टू आउटकम्स, और इसमें 52 कार्ड्स, और 52 का उसमें से भी कैटेगराइज किया गया है 26 रेड और 26 ब्लैक, और 26 रेड में से भी हम लोग का क्या है, इसमें से आपका कुछ कुछ चीज डायग्रामेटिक है, पिक्चर है, और कुछ कुछ न्यूमेरिक वैल्यू पे है, जैसे एक कार्ड, दुग्गी, तिग्गी, इस तरह से हम लोग लेते हैं रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड में भी उसी तरह से. इसमें से और एक कैटेगरी देखते हैं, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट और डायमंड. यही चार चीज में ये 52 कार्ड्स बटे हुए हैं, यानी कि वो रेड भी हो सकते हैं और ब्लैक भी हो सकते हैं.
और कितने तरह के हो सकते हैं, स्पेड होंगे, क्लब होंगे, हार्ट होंगे और डायमंड होंगे। स्पेड्स इस तरह का बना होगा, सॉरी ये हो जाएगा क्लब्स। स्पेड्स पान का पत्ता टाइप का बनता है इस तरह से, हार्ट जो दिल होता है, और डायमंड्स इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया कार्ड्स के बारे में। उसके बाद अगर हम लोग डाइस देखें तो डाइस एक क्यूबिकल शेप है जिसमें एक दो इस तरह से मार्किंग किया हुआ रहता है बबलिंग। तो इसमें क्या होता है, आउटकम्स कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउटकम्स पॉसिबल हैं। इसमें 52 आउटकम्स हैं, इसमें 2 आउटकम्स हैं, ये पॉसिबल है। तो इसमें एट रैंडम एक एक्सपेरिमेंट होता है, ये आउटकम्स पॉसिबल आउटकम्स को ही एक्सपेरिमेंट कहेंगे। इसमें भी एक्सपेरिमेंट होंगे, इसमें भी एक्सपेरिमेंट होंगे। उसके बाद इवेंट, इवेंट हम लोग क्या करेंगे, या तो इसको टॉस करेंगे, या इसको सफल करेंगे, या इसको थ्रो करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम लोग थ्रो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो इसमें से एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो इवेंट पे डिपेंड करता है। इसमें से एक किंग आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये एक किंग होना ही इवेंट कहलाएगा, ठीक है। अब एक होता है इक्वल लाइकली, इक्वली लाइकली इवेंट। तो इक्वली लाइकली इवेंट किसको कहेंगे, जैसे अगर दो सिक्का को साथ में उछाला गया, तो इसमें से हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसका प्रेफरेंस ज्यादा है, दोनों का प्रेफरेंस सेम है। ये नहीं कह सकते कि ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, क्योंकि दोनों साथ में उछालें। तो ये इस तरह के हम लोग इवेंट को क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। अ गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रेफरेंस टू द अदर्स। एक दूसरे के प्रायोरिटी बेस्ट पे काम नहीं करेगा, उन लोग अपना अपना आउटकम दिखा देगा। जब एक दूसरे पे डिपेंड करने लगेगा उसका आउटकम्स, तब वो इक्वली लाइकली नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब प्रोबेबिलिटी पे आते हैं, इतना तो प्रिफ्रेंस था प्रोबेबिलिटी के लिए। अब प्रोबेबिलिटी कहते किसको है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। जैसे अगर एक सिक्का को उछाले हम लोग, तो उसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/2, 2 टोटल आउटकम्स है हेड या टेल, और 1 उसका एक ही बार हेड आ सकता है, दो बार नहीं, ठीक है। अगर हम लोग पूछें कि पी गेट इन अ नंबर लेस देन 7, तो लेस देन 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर डाइस को उछालें तो हम लोग को 7 से नीचे आने का क्या क्या आउटकम्स हो सकता है, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 6 तक तो आउटकम ही होता है। तो टोटल इवेंट नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा, 6, और टोटल करेंस कितना होता है, तो 6 ही होता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 ही हो गया। अच्छा, मेरा ये कहना है कि प्रोबेबिलिटी किसी का भी हो, वो 1 से छोटा या 1 से बराबर हो सकता है। इसका मतलब कि
अगर बराबर हुआ वन से तो इसका मतलब वो सियोरिटी एकदम 100% होगा कि होगा ही होगा, और अगर वन से कम रहा तो उसका सियोरिटी धीरे धीरे डिक्रीज करता है। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी किसी का वन से कम ही रहेगा या बराबर हो सकता है, वन से ज़्यादा कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये एक रेशियो है और रेशियो में डिनोमिनेटर ग्रेटर ही रहता है न्यूमरेटर से, या बराबर भी हो सकता है। अगर हम लोग बात करें PE इक्वल टू, जो कि यही प्रोबेबिलिटी यहां पे आया, तो PE इक्वल टू नंबर ऑफ अक्रेंस एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। लेकिन अगर पी नहीं होने का अगर पूछे तो उसमें हम लोग करेंगे क्या कि जो निकला हुआ है ये, उसी को हम लोग वन से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि नोट ई, इसको हम लोग दोबारा लिख सकते हैं नोट ई, यही सेम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हम लोग का क्लियर हो। एक क्वेश्चन है कि दो कॉइन को साथ में उछाला गया, ठीक है, तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, पी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। तो वन हेड आने का क्या है प्रोबेबिलिटी, एच, पहले तो टोटल आउटकम देख लें, एच 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 टी टी एच एंड टी टी, यही हो सकता है क्योंकि दो है। अब इस पॉसिबल आउटकम्स का क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो सबसे पहले नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा, फोर। एटलीस्ट कम से कम एक हेड, तो एक हेड या तो होगा या दो हेड भी हो सकता है, तो इसमें ये एक हेड वाला नहीं है, बाकी सब में है, यानी कि हम लोग का तीन अक्रेंस है, तीन इवेंट है, तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 3/4। इसी तरह से अगर हम लोग वन से लेके 35 तक नंबर दिया हुआ है तो इसमें प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्राइम नंबर इसमें से कितना आ सकता है, तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23, 29, 31 and enough. Now total occurrence is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So P of prime number is equal to 11 by, and total number we have 35. So we have the probability of being prime number is 11/35. And now second question is the probability of being multiple of 7, P of multiple of 7. So multiple of 7, what should be the outcomes? 7, 14, 21, 28, and 35. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 is total event and total possible outcomes is 35. So answer will be 1/7. And third question is multiple of 3 or 5, या तो 3 आना चाहिए या 5, या 3 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल, तो 3 है,
5 है, 3 2 जा 6 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 5, 3 5 जा 15, 5 15 20 25 30 एंड 3 30। ओके, दी थ्री नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 5 15 एंड 30, दीज टू नंबर ओनली एंड नन अनदर देन, उससे और कोई बच ही नहीं रहा है क्योंकि 3 का और 5 का एलसीएम 15, 15 के बाद 30 एंड 45, इट कांट बी बिकॉज because 45 is not in the possible outcomes. Okay, so what should be the probability of multiple of 3 or 5? 2 is total event and total possible event is 35. This is answer. So okay, हम लोगों ने यहाँ पे क्या बात किया, और का बात किया है, तो ये नहीं हो सकता, ये एंड के केस में हो सकता था। क्यों? क्योंकि दोनों का एलसीएम मैंने मल्टीप्लाई करके निकाला है। और के केस में इसका आंसर चेंज हो जाएगा, ये 3 का कितना मल्टीपल हो जाएगा, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 15 9 भी हो जाएगा, 3 नाइन जा 3 5 जा 15, 30 तक और 33 तक, ठीक है। और इस तरह से ये 10 हो गया और इसमें 5 का भी मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा, जो कि 3 से का भी मल्टीपल है 15 और 30, उसके बाद 35, यानी कि ये 10 और 2 12, टोटल आउटकम्स कितना आ रहा है, 3 6 9 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, इधर से तो 11 हो गया ना, इधर से 11 और यहाँ से 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 तो ये इंक्लूडेड है, इसको हटा देंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 इंक्लूडेड है, इसको हटा देंगे, और 5 7 जा 35, तो ये इंक्लूडेड है यहाँ पे, तो कितना बच रहा है अगर इसको काउंट करेंगे तो टोटल 1 2 3 4 5 एंड 11, टोटल इज 16। तो पी ऑफ बीइंग मल्टीपल ऑफ 3 और 5, the total event of being multiple of 3 is 11 plus and being multiple of 5 5 11 5 16 and total outcomes is 16. This is the answer. Okay, so in this way we can solve all the problems, but we can take another example so that we can understand clearly. Next question, दो डाइस हैं उछाले गए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा P 8 as the sum of 2 numbers that turn up. First question and second question, P a doublet. 8 is the sum of 2 numbers that turn up. इसका मतलब
प्रोबेबिलिटी उसका क्या है जब दो पासे उछाले गए, दो डाइस उछाले गए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है जब दोनों नंबर के सम करेंगे तो एट आएगा, ठीक है। तो वैसे नंबर कितने हो जाएंगे, तो सबसे पहले तो पॉसिबल आउटकम बना लें, तो टोटल 36 होते हैं। तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट अक्रेंस पे बात करना चाहिए, 1 7 तो नहीं हो सकता क्योंकि 6 तक ही आउटकम होंगे, तो 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 and nothing 1 2 3 4 5, तो दिस विल गिव द प्रोबेबिलिटी 5 by 36। एंड नाउ पी ऑफ और डबल एट, इट मीन्स पहला नंबर उसका डबल होना चाहिए, दूसरा नंबर उसका डबल होना चाहिए, तीसरा नंबर उसका डबल होना चाहिए, अब नेक्स्ट पॉसिबल है ही नहीं। तो हम लोग का टोटल इवेंट क्या हो गया, 1 2 3 1 2 3, तो इसका जो होगा यहाँ पे 3 by 36, तो इसको कैंसिल करके 1 by 12 आंसर। तो इस तरह से हम लोग स्टूडेंट्स बना सकते हैं, सॉरी डबलेट मीन्स यहाँ पे मैंने डबल समझ लिया था, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, खैर अगर डबल पूछेगा, अ डबल ऑफ फर्स्ट नंबर, अगर पी ऑफ डबलेट अगर पूछ रहा है, डबलेट मतलब दो बार आ रहा है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ठीक है, इस तरह से ये रिपीट कर रहा है। तो इस तरह से कितने हैं नंबर हैं, 6, तो 6 by 36, 1 by 6 आंसर। तो इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी भी बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्सरसाइज भी बना सकते हैं, मैंने एग्जांपल से क्वेश्चन उठाया था और आप एक्सरसाइज बनाइए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और मैं उसको सॉल्व करूँगा और उसका नेक्स्ट वीडियो मैं शूट करके अपलोड कर दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नज़दीक ही आप लोग का एग्ज़ाम है, मैं आप लोग का ऑल द बेस्ट विश करता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम सारा अच्छा से हो, प्री बोर्ड भी नज़दीक ही है, प्री बोर्ड अच्छे से करें ताकि उसमें से आप अपने आप को ये एनालाइज कर पाएँ कि आप कितने कैपेसिटी में हैं, आपका कितना, आप कितना डिजर्व करते हैं मार्क्स। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।